से पैदा होता है सुख से पैदा होता है अपने लिए कराने से ही सुख और दुख पैदा होता है और दिखावा करने में हम लोग को माहिर है तो बुद्ध धर्म में आचरण करने वाले लोगों को किसी उपाधि की जरूरत नहीं है सब वापस इसलिए बाबा सुन तो ये सपना उन्होंने देखा था कि मुझे भारत को भाइयों और बहनों भगवान बुद्ध और उनका धम्म ये परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखी हुई किताब हर आदमी को सही ढंग से बुद्ध ने सिखाया हुआ धम्म जीवन जीने के लिए कैसे उपयुक्त हो सकती है ये हम देख रहे हैं वास्तव में किताब जो उन्होंने लिखी है वो भारत के लोग जिस स्थिति में जीते हैं जिन मानसिक अवस्था को उन्होंने संभाल कर रखा है और उस दशा में उनको किस तरह से आगे बढ़ना है इसका बिल्कुल ही इस सही ढंग से मार्गदर्शन ये किताब कर रही है तो आचरणशील बौद्ध बनने के लिए ये सबसे बेहतरीन मार्गदर्शिका ठहरती हैं जो वास्तव में सही ढंग से धम्मों को अपनाकर उस तरह से जीना चाहता है उस हर व्यक्ति के लिए इस ग्रंथ का सही ढंग से अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है और वो हम देख रहे हैं इसकी एक मिसाल अब हम देख रहे हैं कि वो बौद्ध जीवन मार्ग की समीक्षा कर रहे हैं और बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने इसको सामने रखा है पहली बात उन्होंने कही कि संस्कार हैं मन को आदत लगनी चाहिए किस तरह की आदत लगनी चाहिए तो पहली बात उन्होंने कहा कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए ये समझो कि अपने किए कराए से ही सुख और दुख पैदा होता है ये कहीं बाहर से आने वाली बात नहीं है ये सृष्टि का कानून है जिसको कार्य कारण भाव कहा जाता है डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहा जाता है बुद्ध धर्म के बारे में तो कारणों से ही परिणाम होते हैं बगैर कारण का कुछ होता नहीं तो हम आचार व्यवहार करते हैं तो कारण हो जाता है और तो उसका परिणाम हम सुख और दुख के माध्यम से अनुभव करते हैं ये पहली बात है ये हर आदमी को सीखनी चाहिए केवल मानने से काम नहीं चलेगा श्रद्धा रखने से काम नहीं चलेगा हा? ऐसा है वैसा है मानो नहीं काम चलेगा तो भारत के सभी लोगों ने पहली बात जो सीखनी चाहिए पहला सबक जो सीखना चाहिए वो हो सोचने से इनकार करने की उनकी जो आदत है हम सोचना नहीं चाहते समझना नहीं चाहते इस आदत को पूरी तरह से बदल देना चाहिए इसको फेंक देना चाहिए और इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि सोचो और क्या सोचो दुख कैसे पैदा होता है सुख कैसे पैदा होता है तो ये पहला संस्कार उन्होंने दिया है कि आपने मन को ऐसी आदत लगाए आपका मन इस तरह से काम करने में सक्षम हो जाए कि आप सुख दुख को पहचान कर सही तरह से सुख को बढ़ावा देने वाला ही कर्म करोगे ये बहुत महत्वपूर्ण बात है भारत के हर आदमी को इस सबक को सीखना ही चाहिए बगैर उनकी दिमाग की आंखें खुले और बगैर वो सुख दुख किस तरह से निर्माण होता है वास्तविक रूप में वो जाने भारतीय आदमी सुधर नहीं सकता वो अपने कल्याण के पथ पर आगे बढ़ नहीं सकता सभी रास्ते उसके बंद हैं क्योंकि उनका अपना मन अपना दिमाग इसके दरवाजे बंद हो चुके हैं इनको खोलना जरूरी है तो बाबा साहब ने कहा जीवन मार्ग है पहले इस क्षमता को अपनाओ देखो और उसको कारगर कराओ काम में लगाओ ये पहली बात है तो ये संस्कार है दूसरा कुशल अकुशल जानने का कैसे दुख निर्माता है कैसे नहीं होता ये भी हमने देख लिया फिर उन्होंने आगे कहा तीसरा संस्कार जो है कि इसको टालने के लिए इसमें सुधार करने के लिए आपके पास कौन सी ताकत है अपने मन की ताकत है और मन के जरिए आप क्या पहचान सकते हैं क्या जान सकते हैं भाई ये कारण क्या है किस कारण से सुख और दुख पैदा होता है ये हम कैसा जाने है? तो इसके लिए बाबा साहब ने अगला संस्कार जो पढ़ा है वो है कि लोभ और तृष्णा है उसको पहचानो किस तरह से काम करते हैं फिर क्लेश है द्वेष है पहचानो किस तरह से काम करते हैं फिर शत्रुता है और उनके प्रति क्रोध है इसको जानो ये कारण है दुख को निर्माण करने वाले और उसको पहचानना जरूरी है वो तो अपने अंदर छिपे मन में छिपे हुए हैं इसको जानना जरूरी है और फिर आगे कहते कि इसके लिए उपाय क्या है तो आपका मन जो है अपना जो चित्त है वो चिंतनशील बनना चाहिए यानी सोचना अपने लिए आवश्यक है बगैर सोचे आप आगे बढ़ नहीं सकते तो मन है मन की मानसिकता है और मन की ताकत है सोचना समझना इस ताकत को अपनाओ उसको बढ़ाओ इससे आप स्वयं को जान पाओगे अपने आसपास जो कुछ हो रहा है उसको भी जान पाओगे सुख दुख कैसे निर्माण होता है ये भी आपने तो जान लिया तो इससे कैसे निपटना है और स्वयं पर विजय कैसी पानी पानी है ये भी आप जान जाओगे तो आगे वो विजय की बात करते हैं उपाय की बात करते हैं और बड़ी श्रद्धा से है ये उपाय करना चाहिए इस पर उन्हें जोर दिया फिर अगले संसार की बात करते हैं कि वास्तव में तुम्हारे पास कौन सी कौन सी क्षमता है कौन सा सामर्थ्य है जिसके बल पर आप कर पाओगे तो तुरंत उन्होंने बताया है भाई मनुष्य है पहले हम मनुष्य होने की कीमत करें जानवर नहीं है पशु नहीं है और मनुष्य होने का मतलब ये है कि हमारे पास वो ताकत है बुद्धि की मन के जो और किसी के पास नहीं है सबसे बढ़िया सबसे ऊंची सबसे हा? सामर्थ्यवान ताकत अगर कौन सी है तो मन की ताकत है जिसको बुद्धि भी कहते हैं इसको समझो एक मनुष्य होने के नाते हर आदमी में ये ताकत है बगैर इसके मनुष्य होता ही नहीं इतनी खुल्लम खुल्ला बात कही है जो अपने पास है उसको तो देखो पहले हम किस लायक है इसको तो पहचानो पहले तो पहचान देने की कोशिश किया है कि मानो तुम्हारे पास मन है और मन में ये सब ताकत है मन के मैल भी है उसको भी जानो उसको हटाने की ताकत आपके तो पास है आप आप इस तरह से अपने आप को न्याय दे सकते हैं बुद्धि के बल पर और ऐसे बुद्धिमान लोगों के संग रहोगे तो आपकी ताकत और बढ़ जाती है आपकी प्रगति और जोर से होती है तो संघ का महत्व तो उन्होंने प्रतिपादन किया संघ जरूरी है संघ जैसे जीना भी आवश्यक है और मन को उस तरह से आदत लगाना भी आवश्यक है तो इस तरह से वो बिल्कुल मनुष्य की चर्चा करते हुए मनुष्य की क्षमता है उसकी जान है उसका मन है हर बात की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं और फिर क्या कहते हैं फिर उन्होंने कहा है कि चित्त अपनी जानने की ताकत इससे बढ़कर दूसरी ताकत दूसरी कोई नहीं हो सकती तो यह जो संस्कार दिया है वो इसी से ही बड़ा महत्व रखता है कहते हैं कि प्रत्येक कार्य करते समय जागरूक रहो प्रत्येक काम में सोच विचार से काम लो हर विषय में अप्रमादी और उत्साही रहो यही जीवन मार्ग है तो इसके बारे में पिछले भी बार हमने देखा कि मन में जो आता है वो कम करते हैं तीन चर्चा उन्होंने यहाँ तक की है और फिर आगे उन्होंने कहा कि इसके बारे में दुर्लक्ष नहीं करना ये ऐसे ही छोड़ नहीं देना अब जिसको कहते हैं यानी उपेक्षा करना उसकी कीमत नहीं करना ऐसा नहीं होना चाहिए कीमत करना बहुत जरूरी है तो ये कीमत करने की ताकत हम बढ़ाते हैं प्रमाद को जीत लेते हैं तो हम शोकमुक्त हो जाते हैं और स्वयं शोकग्रस्त मानव जाति को प्रज्ञारूपी प्रसाद पर चढ़ा हुआ ऐसे देखते हैं जैसे कि पर्वत शिखर पर चढ़ा हुआ बुद्धिमान आदमी नीचे तलहट्टी में खड़े हुए मूर्खों को देखता है बहुत ही बड़ी बात कही है कि हमारी ताकत हमारी योग्यता किस कदर बढ़ती है तो जैसे हम बहुत ही ऊंचे पर्वत पर बहुत ही ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए हैं शिखर पर जा पहुंचे हैं और शिखर पर जाकर हम जो नज़ारा देखते हैं वो इतना अलग होता है इतना विलक्षण होता है कि नीचे जो लोग दिखते हैं हम देखते हैं वो तो बिल्कुल क्षुद्र जैसे लगते हैं इनकी अपनी कोई गरिमा नहीं है हम उनसे इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं बहुत भेद हो जाता है बहुत अंतर पड़ जाता है तो ये इतनी बड़ी बात जो है बुद्ध ने यहां पर लिखी है अपमत्तोपत्सु सुगरो अबल संघ व सीधसो हितवा सुमेधसो जो इस तरह से दुर्लक्ष करने वाले लोग हैं शुद्र लोग हैं उन्हें हम जागृत जागृत बनेंगे हम सजग रहेंगे सोए हुए हैं हम जागते रहे बुद्धमान आदमी इस तरह से आगे बढ़ता है जैसे शीघ्रगामी घोड़ा जो है दुर्बल घोड़े को पीछे छोड़ देता है तो हर आदमी इस तरह से आगे बढ़ने की ताकत रखता है अगर उसने प्रयास किए तो तो ये ताकत हमको हमारे मन में जतानी चाहिए बढ़ानी चाहिए और अपनों को अपने स्वयं को कमजोर करने वाली हर बात को हमें बाजू में हटाना चाहिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसी को लेकर ही धम्मपद की ढेर सारी गाथाएं बाबा साहब ने यहाँ पर लिखी हैं ये सभी गाथाएं हमें देखने देखने की आवश्यकता नहीं है फिर भी उसमें से एक दो दाखा है जो उसका महत्व जताती हैं बताती है उसको देखने में कोई हर्ष नहीं कहते हैं अपमादो अमतंग पतंग हम जागरूक रहते हैं उपेक्षा नहीं करते हा? जो सत्य उसकी तरफ दुर्लक्ष नहीं करते उसको कम नहीं समझते ऐसी जो हमारी जागरूकता होती है दक्षता होती है उसको अपमाद कहते हैं तो ये अप्रमाद की जो हमारी मानसिकता है ये अमृतमय पद हैं जिसने अमृत चख लिया और जिस खुशी में जिस कहे कि सुख में वो अनुभव करते रहा अमृत पान करने के बाद तो इस तरह का पद हम पाते हैं वो अवस्था हम पाते हैं अप्रमाद होते हैं तो धम्म की ओर दुर्लक्ष बिल्कुल नहीं करना चाहिए धम्म को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए धम्म को कम नहीं लेखना चाहिए कमजोर नहीं मानना चाहिए तो जो लोग धर्म की परवाह नहीं करते उसको प्रमादी कहते हैं और जो लोग धम्म की परवाह करते हैं हरदम जागृत रहते हैं उसका महत्व जानते हैं और उसको अपनाने की कोशिश करते हैं उनको अप्रमादी कहा गया है हम ढेर सारे बौद्ध लोग देखते हैं धम्म की उन्हें कोई परवाह नहीं कोई परवाह नहीं है जिसको धम्म की कोई परवाह ही नहीं है ऐसे आदमी को बौद्ध समझने का प्रयास न करे वो धोखा है इसे बचकर रहना आवश्यक है और जो धम्म को इस तरह से कम नहीं समझता उसकी गरिमा को उसके महात्मा को उसके बड़पन को जानता है वो अप्रमादी है और कहते इस मानसिकता में जो आदमी रहता है वो तो मानो पान किए हुए आदमी जैसा बड़े सुखपूर्वक रहता है ये अमृतमय पद है अमृतमय प्रतिष्ठा है अमृतमय मानसिकता है यानी बिल्कुल सुखदायी मानसिकता है तो अपमादो अमतन पदंग पमादो मुच्छुनो पद मुच्छुनो पदम जो धम्म को नीच लेखते हैं उसकी परवाह नहीं करते वो तो मरे जैसे लोग हैं बहुत ही बड़ी बात कही है जो धम्म की परवाह नहीं करते उनकी तुलना की हैं मरे जैसे लोगों के साथ जिंदा रहकर भी मरे हुए हैं तो अभी आप समझिए जो धम्म की परवाह नहीं करता धम्मों को उसे दुर्लक्षित करता है कम समझता है उसकी परवाह बिल्कुल करता ही नहीं ऐसे आदमी को हम जब बौद्ध कहते हैं वो बौद्ध हैं तो हम मरे हुए आदमी को बौद्ध कहते हैं वो तो मरा हुआ है उसकी कोई कीमत नहीं है वो जिंदा रहे न रहे उसका कोई मतलब नहीं क्योंकि उसका जिंदा रहना भी उसके फायदे का नहीं है वो मरे जैसा है इतनी बड़ी बात कही है यहाँ पर और इसलिए बाबा साहब ने कहा कि आप केवल नाम के वास्ते बहुत नहीं बन सकते आपको धम्म दीक्षा देना जरूरी है समझकर जानबूझकर उसका स्वीकार करना जरूरी है और उस पर अमल करने की कोशिश करते रहना ये अपनी जीवनचर्या है इससे अतिरिक्त दूसरी जीवनचर्या नहीं है तो अपमादो अमतंग पदम पमा दो मच्छुनो पदम अपमत्ता न ये पमत्ता यथामता तो धम्म के प्रति जागृत रहते हैं उसकी परवाह करते हैं लगातार उसमें है लगे रहते हैं वो तो कभी मरते ही नहीं अप्रमादी मनुष्य व्रत नहीं होता लेकिन जो ऐसा नहीं करते हैं वो जिंदे रहकर भी मरे हुए हैं। कितनी बड़ी बात कही देखिए धम्म के बारे में कितना सजग होना चाहिए तो दुख होता है बड़ा बुरा लगता है जब बहुत कहने वाले लोग भी धम्म के प्रति जागृत नहीं होते उसकी परवाह नहीं करते और यकीन मानिए यही पतन का कारण है यही पिछड़ेपन का कारण है आज बौद्ध लोगों में जो पिछड़ापन दिखाई देता है इसका मूल कारण ये है इसको आज की तारीख को समझना जरूरी है और उनको समझाना भी जरूरी है हम चुपचाप नहीं बैठ सकते अपने लिए और औरों के लिए भी तो इतनी बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा बाबा साहब ने दी कि जागो पहले ये आपके हित में है आपके सुख के लिए है औरों के लिए नहीं अपना हित अपना सुख हम पाने की कोशिश करते हैं तो औरों का हित तो और सुख भी ना, आप यह सिद्ध हो जाता है तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं ये धम्म की सही ताकत है तो त् बाबा साहब ने इशारा किया है कि ये मन को आदत लगाओ इस प्रकार से व्यवहार करने की जीने की और फिर कहा है ढोंग मत करना दिखावा मत करना और दिखावा करने में हम लोग तो माहिर हैं इतना दिखावा करते इतना दिखावा करते सोचो मत मैं जिस प्रोग्राम में जाता हूँ बौद्ध धर्मीय लोगों के तुमने तो पांच रंग का जो अपना झंडा बनाया है उसका एक एक बनाते हैं क्या कहते हैं उसको और हर आदमी ही अपने गले में डालता है पंचशील का प्रमाण है वो झंडा तो अपने गले में डालते हैं ना सारे लोग मैं इनकी तरफ देखता हूँ मन में मैं हंसते रहता हूँ अरे कोई तो धम्म की परवाह करने वाला नहीं है कोई भी धम्म की इज्जत करने वाला नहीं है कहीं आचरण में किसी व्यवहार में जाते नहीं दिखाई दे जहाँ धम्म प्रवचन होते हैं वहाँ पर भी कहीं नहीं दिखाई दे और यहाँ बस एक से बढ़कर एक अपने इसमें हो कपड़ा लटका है गले में घूम रहा है कि हम बौद्ध हैं पंचशील का पालन करने वाले हैं आप समझ रहे हैं इस बात को ये कैसा प्रदर्शन है कितना झूठ है हम नहीं समझ पा रहे इस बात को ये तो हमने बाजार कर दिया है अपनी श्रद्धा का सच्चाई उसमें कुछ नहीं तो इसलिए आप बाबा साहब ने ये खास लिखा है कि झूठ कोई झूठ न बोले कोई दूसरे को झूठ बोलने की प्रेरणा न करे और कोई दूसरे के झूठ बोलने का समर्थन न करे इसी प्रकार का मिथ्या भाषण दूर इस भाषण से दूर दूर रहे ये बात है झूठ नहीं बोलना यानी नहीं बोलना है और धम्मपद में एक बहुत ही बढ़िया गाथा इसको लेकर आई है और इसकी और भी बहुत से ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते कि कितनी महत्वपूर्ण बात बुद्ध ने कही है धम्मपद की गाथा हमें बताती है बड़ी बारीकी से सुनना है बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं बहुत सारे लोग और ये मानसिक दृष्टि से एक बहुत ही सत्य बात है सच्चाई है और वो सच्चाई यहां पर इस तरह से बयान की है धम्मपद की गाथा में एक धम्मं धम्म अतीत मुसावादी सजंतुनो विन्न परलोक पापम इसका अर्थ बहुत ही बढ़िया है जो आदमी सत्य बोलने के एक नियम का एक धम्म का सत्य बोलना धम्म है हा? सत्य बोलने के धम्म का अतिक्रमण करता है उसको लांग जाता है और झूठ बोलता है तो ऐसे झूठ बोलने वाला आदमी जो है उसको यहां जंतु कहा है मनुष्य भी नहीं मुसावादी सजुनो झूठ बोलने वाला जंतु मनुष्य भी नहीं कितनी तगड़ी बात कही देखिए एकंग धम्म आतीत मुसावादी सजुनो छूट बोलने का कर्म करने वाला एक ये जंतु ये प्राणी वितिन्न परलोक सन पापम कार्य आगे क्या होगा क्या नहीं होगा इसकी उसकी परवाही नहीं बिल्कुल ऐसा आदमी कोई परवाह न रखते हुए छूट बोलता है वो आगे चलकर किसी भी प्रकार का भयंकर पाप करने से गुनाह करने से पीछे हटता नहीं उस समझ में आया झूठ बोलने की आदत हमको गुनागार बनाने की तरफ ले जाती है झूठ बोलने की आदत हमको बुरा व्यवहार करने की तरफ खींचती है हमारे मन को ओ आदत लगाती है उस तरफ हमको मोड़ते हैं उस तरफ जाने की प्रेरणा देती है तो झूठ से ही आगे सब बुरी या जो होती जाती है जिसने झूठ बोलने से खुद को दूर रखा वो किसी हालत में कोई पाप नहीं करेगा वो गुनाकार हो ही नहीं सकता बुरा व्यवहार कर ही नहीं सकता तो सत्य की अपनी इतनी भारी ताकत है मानसिकता है मन की दशा है जो सबसे शक्तिशाली है एक अंग धम्मंग अतिथस् मुसावादी संतुनो वितिन्न परलोको सो पापंग अकार्यंग इसके परिणाम क्या होंगे झूठ बोलने की इसकी परवाह न करने वाला झूठ बोलने वाला एक आदमी एक मनुष्य किसी भी प्रकार का पाप करने से पीछे हटता ही नहीं उसको कोई पर नहीं होती झूठ बोलने की आदत लगी बस पाप करना आसान हो गया परवाही नहीं होती ये इतनी बुरी बात है इसलिए सच बोलने का संस्कार अपने में मजबूत करना अपने बच्चों में परिवार में मजबूत करना कितना महत्वपूर्ण है इस बात को जरा समझे लोग स्वांग मत करते रहिए दिखावा मत करते रहिए तुम नहीं हो वो दिखाने की क्यों कोशिश करते हो ढेर सारे लोग ऐसे भी कहते हैं खुद को धर्म की उपाधियां लेते हैं हम धर्मों को बहुत गंभीरता से आचरण करते हैं, दिखावा करते हैं तुमको इस तरह से कोई उपाधि लेने की क्या जरूरत है मैं धम्म का आचरण करता हूं करते रहे कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन औरों को मैं बता दू मैं धर्मचारी हूं आप जानिए आप समझिए मैं धर्मचारी हूं ये कहने से गड़बड़ हो गई ना क्या जरूरत है उनको बताने की तुम धर्मचारी हो आप समझ इस बात को आप ज्यादा ही कर रहे हो कौन जाने आप धर्म का आचरण करते भी या नहीं लेकिन ये उपाधि तो आपने पा ली एक डिग्री पा ली धम्मचारी डिग्री हो गई धम्म का आचरण करने में किसी डिग्री की जरूरत नहीं है कोई कहते हम धम्म मित्र बन गए डिग्री बना ली हम बौधाचार्य बने डिग्री बनाई आप समझ उसको। हम धम्म सेवक है अभी धम्म कहा कौन सेवा करते हो धम्म कोई चीज नहीं है कोई पुरुष नहीं कोई व्यक्ति नहीं उसकी सेवा करने की कोई जरूरत नहीं है धम्म की सेवा नहीं कर सकते आप सिर्फ धम्म का पालन कर सकते हैं आप समझ रहे इस बात को एक व्यक्ति होने के कारण आप सिर्फ धम्म का पालन कर सकते हैं धम्म की सेवा नहीं कर सकते हम लोगों की सेवा कर सकते हैं और वो सेवा अलग अलग ढंग की हो सकती है धम्म का आचरण करने की आप सुविधा दे दे ये सेवा हुई उनकी सुविधा पहुंचाना ये धम्म की सेवा नहीं है आप समझ इस बात को तो इतने सारे झूठे अहंकार लेकर आदमी स्वयं को विभूषित करना चाहता है और उनके सामने मैं कैसा हूं मैं कौन हूं मैं कितना ऊंचा हूं कितना अच्छा हूं यह दिखाने की कोशिश करता है ये स्वांग है ये दिखावा है ये झूठ है तो बुद्ध धर्म में आचरण करने वाले लोगों को किसी उपाधि की जरूरत नहीं है बुद्ध ने उनको सिर्फ दो ग्रुप में गुटों में बांट दिया है जिन्होंने ग्रह त्याग कर दिया सब कुछ छोड़ दिया और धम्म का आचरण करने में सीखने में और आचरण करने में लग गए ऐसे वर्ग को बुद्ध ने कहा या तो भिक्षु हैं या भिक्षुनी हैं और भिक्षु और भिक्षुनी बनने के पहले तो तुमको स्टूडेंट होना पड़ता है विद्यार्थी होना पड़ता है तो उसको श्रामनेर और श्रामनेरी कहते हैं समझ गया लेकिन वर्ग ये की है भिक्षु या भिक्षु ने जिन्होंने सबको छोड़ दिया ये कोई उपाधि नहीं है कोई डिग्री नहीं है ये उनके जीने का तरीका है उस तरीकों को लेकर हम पहचानते हैं कि अरे ये भिक्षु है क्यों भिक्षु हैं वो कमाता नहीं वो उसकी गृहस्थी नहीं है उसने सबको छोड़ दिया हा? और इस तरह से वो रह रहा है तो उसके रहन सहन देखते हुए हम क्या समझते हैं इसने जीने का अलग तरीका अपनाया है सबको छोड़ते हुए आप समझ रहे इस बात को ये कोई डिग्री नहीं है उसकी भिक्षु या भिक्षु और फिर जिसने ग्रह नहीं छोड़ा ग्रह त्याग नहीं किया और गृहस्थ ही रहा फिर भी धम्म को मानता है धम्म की शिक्षा जानता है प्रत्यक्षत को करने की कोशिश करता है उसको बुद्ध धर्म में कहते हैं उपासक उपासिका। इससे अधिक उनका को कोई दूसरा विशेषण है नहीं बस उपासिका बने उपासक, उपासक बने बात खत्म हो गई अब धर्म का आचरण करने के लिए ये लाइफ स्टाइल है जीवन जीने का तरीका है ग्रह त्याग करते हुए आप जीवन जी सकते हैं धम्म का ग्रह त्याग न करते हुए भी आप जीवन जी सकते हैं धम्म का तो त्याग करने वालों को भिक्षु भिक्षुणी नहीं कहा जाता है और गृह त्याग न करने वालों को उपासक उपासिका कहा जाता है ये डिग्री नहीं है ये बड़प्पन की बात नहीं है आप किसी के सामने खड़े होकर ये नहीं अरे मैं उपासक हूं देखो कोई सुनेगा नहीं कोई आपकी कीमत नहीं करेगा तो एक आदमी है कुछ कह रहा है तो ये डिग्री नहीं है इसमें अहंकार नहीं है मैं कुछ हूं ये दिखवा करने की यहां कोई जरूरत नहीं है तो ये धम्म जीवन का सही रास्ता है जो बुद्ध के जमाने से चलते आ रहा है तो हम लोग जो इस तरह से डिग्री लेते हैं हा? ये उपाधियां निर्माण करते हैं पद प्रतिष्ठा निर्माण करते हैं ये सब ढकोसला है सब स्वांग है इसमें कोई सच्चाई नहीं है अभी दीक्षा देने वालों को कहाँ पता चला कि वह सही में धम्म का आचरण करता भी है या नहीं सच्चाई तो जीवन की ये है हम दूसरे का मन कभी जान नहीं सकते ये तो सच्चाई है ना अब इस, इस गुरु को कैसे पता चला कि यह धम्म का आचरण करने वाला है आया ना कुछ घर पर सच्चाई नहीं वहां पर सिर्फ उसको गुरु मानने वाला है उसमें यह खुश अरे मुझको गुरु मानता है ना चल ले तो अभी धर्मचारी बन गया ये जो सब में चल रहे हैं समाज में ये इसके अंदर आ जाते हैं स्वांग करने में ढोंग रचाने में यह मत करो धम्म का आचरण करने के लिए किसी भी डिग्री की पद प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है बिल्कुल जरूरत नहीं है या तो पूरा समय धम्म का आचरण करना है तो घर बार छोड़ दो तो, भिक्षु भिक्षु नहीं बन जाओ वो डिग्री नहीं है लोग भी नहीं समझेंगे भिक्षु कोई डिग्री थोड़ी है वैसे उपासक की बात है तो इसलिए बाबा साहब यहां पर बल्कि बड़े शब्दों में कहते कि झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है सबसे बड़ी गलती है तो कोई झूठ ना बोले कोई दूसरे को झूठ बोलने की प्रेरणा न करे और कोई दूसरे के झूठ बोलने का समर्थन न करे सभी प्रकार का मिथ्या भाषण से दूर रहे और फिर आगे कहते कि जैसे तथागत बोलते हैं तदनुसार आचरण करते हैं जैसा आचरण करते हैं वैसे ही बोलते हैं क्योंकि यथाभाषी तथाकारी यथाकारी तथा भाषी वे होते हैं और इसलिए उनको तथागत कहलाते हैं तथागत कोई ही सामान्य शब्द नहीं है ये बुद्ध की असलियत जो है उनका स्वभाव जो है इसको प्रकट करने वाला शब्द है उस अर्थ को समझाने वाला शब्द है कि दुनिया में केवल बुद्ध ही ऐसे हैं जिनके बोलने में और प्रत्यक्षात करने में कोई अंतर नहीं होता जो बोलेंगे उनका प्रत्यक्ष आचरण उसी प्रकार से होगा उसमें कोई गलती नहीं होगी जो वो आचरण करते हैं उसी भाषा का प्रयोग करेंगे वो झूठापन कहीं पर भी नजर नहीं आएगा और ये ताकत केवल बुद्ध में है और किसी में नहीं जो देवता की बात करते हैं ईश्वर की बात करते हैं उनके पास नहीं है वो भी झूठ बोलते हैं इसलिए झूठ बोलते कि कहते कि ईश्वर हैं, पूछने भर भाई कहाँ है बताओ कोई सुराग तो दिखाओ नहीं उल्टा आपको डांटते हैं पूछो मत ईश्वर के खिलाफ बात करने का हक हा, तुमको नहीं है और हिंदू को ब्राह्मण कहते हो तुमको आकड़े ही नहीं है उसके बारे में सवाल पूछने की देखो तो इतने अहंकारी होते हैं लोग और दूसरों को सिर्फ दबाने की कोशिश करते हैं कि धर्म के नाम पर जो को दबाता है पूछने से मना करता है जानने से मना करता है सिर्फ मानो इसी पर जोर देता है वो तो सही माने से कहे तो अच्छा आदमी भी नहीं हो सकता बुद्ध जैसा होने की बात तो बहुत दूर है इसलिए बुद्ध ने जमकर ये बात कही है कि मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं जिन देवी देवताओं को आप मानते हो ईश्वर को मानते हो ब्रह्मों को मानते हो मेरे जैसे नहीं है मैं उन सब से ऊपर हूं सबसे श्रेष्ठ हूं तो ये जो बुद्ध की अपनी महिमा है और उनने कही हुई जो अपनी सच्चाई है उस सच्चाई को हमें बहुत ही सही ढंग से समझना चाहिए अगर नहीं समझे तो हो, मुश्किल होगी तो ये जो झूठ बोलने की बात है बाबा साहब ने इस तरह से साफ साफ लिखा है कि इससे आपको दूर रहना चाहिए ये स्वांग नहीं करना चाहिए दिखावा नहीं करना चाहिए अगर दुखावा किया तो उसका कोई फायदा नहीं और फिर क्या करना चाहिए सन्मार्ग को चुनो उस पद से विचलित न हो यू पद बहुत हैं, किंतु सभी सन्मार्ग की ओर नहीं ले जाते सन्मार्ग थोड़े से ही लोगों को सुखी बनाने के लिए नहीं है बल्कि सभी सभी को सुखी बनाने के लिए है यह आदि में कल्याणकारी होना है मध्य में कल्याणकारी होना है और अंत में कल्याणकारी होना है सनमार्ग कर चलने का मतलब है बौद्ध जीवन मार्ग पर चलना इतने साफ शब्दों में बाबा साहब ने लिखा है जीवन मार्ग दूसरा कौन सा है मार्ग पर चले अब इस सनमार्ग कौन सा होता है सनमार्ग की व्याख्या तो बिल्कुल एक धम्मपद की एक गाथा में बिल्कुल सही सही ढंग से की है सब पापस करण कुशल उपसंपदा सचित बुद्धान शासन बात खत्म हो गई इतना सीधा इतना सरल है समझने में कोई दिक्कत नहीं है और इसी बात को लेकर ढेर सारे धम्मपद की गाथाएं जो हैं हम पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं जान सकते हैं मैं ये सभी इसलिए पढ़ा के नहीं यहाँ पर पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि आप पढ़कर भी समझ सकते हैं उस बात को उसके पीछे जो अर्थ छिपा हुआ है या जो कुछ उसका संबंध है बस उनको ही प्रकट करने की मैं कोशिश करते रहता हूँ तो कहते हैं कि मार्ग तो ऐसे बहुत हैं ये जो पहली बात कही है मग्गानंग अठंगिको सेठो सच्चानंग चतुरपदाम विरागो सेठो द्विपाद द्विपादनंश चक्ुमान सभी मार्गों में सर्वश्रेष्ठ मार्ग है अष्टांगिक मार्ग है। दुनिया में दूसरा कोई भी मार्ग नहीं है जो सर्वश्रेष्ठ है इससे सच्चानंग चतुरोपदा दुनिया में चार सत्य सबसे श्रेष्ठ है जिसको बुद्ध ने चार आर्य सत्य कहा है दुख है दुनिया में कबूल करना पड़ेगा मानना पड़ेगा इनकार नहीं कर सकते यह हकीकत है आंखें नहीं मुझ सकते ये सच्चाई कबूल करनी पड़ेगी कि दुनिया में दुख है लगातार है वो हटता नहीं है और बुद्ध ने कहा कि इसका भी कारण है बगैर वजह के दुख नहीं है और वो कारण क्या है उन्होंने पक्का जान लिया है तो अपने मन के मैली वो कारण है और इन कारणों को नष्ट किया जा सकता है और दुख का विरोध किया जा सकता है दुख को रोका जा सकता है यह सत्य केवल बुद्ध ने कहा मनुष्य जाति में दुनिया में और किसी ने यह सत्य को जाना नहीं समझा नहीं कि मनुष्य दुख को रोक सकता है मनुष्य में अपनी में वो ताकत है बुद्ध के सिवा ये सच्चाई और किसी को कभी मालूम नहीं हुई कोई भी धर्म इस बात को इस सच्चाई को नहीं जानता ईश्वर ने वो धर्म बनाए लोग कहते हैं अगर ये धर्म सची सच्चाई को नहीं जानते हैं, तो हमको कबूल करना पड़ेगा कि जिस ईश्वर ने धर्म इन धर्मों को बनाया उस ईश्वर को भी पता नहीं है दुख को रोका जाता है वो अज्ञानी है ऐसे ईश्वर के पीछे पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं और बुद्ध ने अंतिम सत्य बताया है कि अष्टांगिक मार्ग है नष्ट किया जाता है ये कोई सामान्य बात नहीं है और ये सामान्य बात न होने के कारण ही उसका अपना महत्व है उसकी अपनी गरिमा है और इसलिए हमें धम्म की ओर इस दृष्टि से देखना चाहिए कि सत्य जो है इसके अलावा और किसी जगह प्राप्त होने वाला नहीं है तो सन्मार्ग पर चलना अत्यंत आवश्यक है यहां पर और भी एक महत्वपूर्ण गाथाएं बड़ी अच्छी गाथाएं हैं कि पहले जमाने से बातें चल रही है लोग भयग्रस्त हो होते हैं भय खाते हैं दुख से डरते हैं वैधि से डरते हैं जो कुछ अड़चने होती हैं विरोध होता है उसे भी डरते हैं और डर के मारे कहीं ना कहीं कुछ सहारा खोजने की कोशिश करते हैं उसको दूर उससे दूर हटने की कोशिश करते हैं लेकिन वो कोशिश कैसी करनी है सही है गलत है उसका उनको कोई ज्ञान नहीं होता नहीं? तो वो धम्मपद में बहुत ही महत्वपूर्ण गाथाएं आई है वे कहते बहुमे शरण यंती पबी आराम चैत्यानी मनुषा भयतन चेता इतने सारे लोग हैं भाई के मारे ऐसी चीजों के शरण जाते हैं जहां कुछ सहारा पाने की कोशिश करते हैं उसकी शरण में जाते हैं सहारा पाने की कोशिश करते हैं बहु बहुत ज्यादा लोग शरणयंती शरण जाते हैं सहारा पाने की कोशिश करते हैं कहा पर्वत की शरण में जाते हैं पत्थर की शरण में जाते हैं और भारत इसके लिए मशहूर है भारत इसके लिए मशहूर है पत्थर के शरण में जाने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग आपको भारत में दिखाई देंगे ये तो सही है ना इस पर और कोई ज्यादा भाष्य करने की आवश्यकता नहीं है तो ऐसे भयग्रस्त लोग डरे हुए लोग सहारा खोजने की कोशिश में किसकी शरण जाते हैं पब्बत पर्वत की यानी पत्थर की वनानी, वन होता है जंगल होता है फॉरेस्ट होता है वृक्ष की पूजा करते हैं ढेर सारे लोग वृक्ष की पूजा करते हैं वोट सावित्री आपको मालूम है की पूजा करते हैं ये तो सही है अरे भाई ये पति मर गया तो पत्नी के उस क्या कहे आचरण से वो जिंदा हो गया लेकिन पत्नी मर गई तो उसके लिए पति के लिए कौन सा आचरण है हम हाँ पूछते ही नहीं कभी और कहते हैं ऐसा करने से सावित्री का करने से हाँ? हर जन्म में यही पति मिलता है आप तो सत्य बात तो ये है हर आदमी की कि एक ही जन्म बड़ा काफी होता है मुश्किल से दूसरे बार जरूरत ही नहीं पड़ती कौन इच्छा करेगा दूसरी बार भी ऐसा होना चाहिए तो इतना झूठ बोलते हैं लोग सही है बुद्ध को जानते ही नहीं बुद्ध सिर्फ सत्य बोलते हैं तो बहुत सारे लोग इस तरह से शरण ग्रहण करते हैं आसरा पाते हैं बहुमय शरणगी पब्वतानी वनानी चो, आराम रुख नहीं, मनुष्य भय से ग्रस्त हो ग्रस्त होकर भय खाकर आराम रुख रुख रुक्ष रुक्ष की पूजा करता है कई तीर्थ क्षेत्र होता है वहाँ जाकर पूजा करता है चैत्य होता है वहाँ पर पूजा करता है उस वक्त थे चैत्य गृह थे यहाँ लोग इस आशा से जाते थे कि हमारा दुख कम हो जाएगा हमें कोई सहारा मिलेगा तो बुद्ध यहां कहते हैं धम्मपद है, ने कहा सरन, अरे भाई ऐसी चीजों की शरण में जाना कोई ठीक बात नहीं है उसमें कहा सुरक्षितता नहीं होती और उत्तम भी सही भी नहीं होता क्योंकि ऐसा करने से दुख खत्म नहीं होता दुख से मुक्ति पाने के में कोई सहारा नहीं होता तो फिर कौन सी शरण जाना चाहिए योच धम्मं च संघं चरणंग चतारी सच्चा सम्मति जो बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाता है वहां आश्रय पाने की कोशिश करता है और आर्य सत्य जो है ये आर्य सत्य को सही सही समझने लगता है चतारी आर्य समय पशी प्रज्ञा के माध्यम से अपने दिमाग के माध्यम से अपने बुद्धि के माध्यम से उनको सही संगी जानना सीखता है दुखंग दुख दुखस दुखिकमंग अतिकमंग दुख है दुख का कारण है दुख का निरोध किया जा सकता है आर्य चंगिकंग दुखो पाम और वे आर्य अष्टांगिक मार्ग है जिससे दुख जो है पूरी तरह से नष्ट होगा इनको जो जानता है आर्य सत्यों को एतंगो खो शरण खेमंग शरण तमंग अरे ये आश्रय जो है सही है ये सहारा सही है ये सहारा सर्वोत्तम है तो उसको ही अपनाना चाहिए एतन गम्म सब दुखा गुखा कि ऐसी शरण ग्रहण करते हुए सहारे को अपनाते हुए आदमी सभी दुखों से मुक्त हो जाता है इतनी बड़ी बात यहां पर की है सम्यक मार्ग का अनुसरण इसलिए आवश्यक ऐसा बुद्ध ने माना है और फिर आगे जाकर मैं सभी ये जो गाथाएं पढ़ना नहीं चाहता आप आराम से पढ़ेंगे तो सभी का अर्थ ध्यान में आ जाएगा तो फिर आगे वो कहते हैं बहुत ही बड़ी बात कहते हैं कि सद्धम्म के साथ मिथ्या धर्म को मत मिलाओ यानी सम्मिश्रण नहीं करना है अडल्ट्रेशन नहीं करना है मिलावट नहीं करनी है जो बुद्ध का धम्म है सही धम्म है उसमें मिलावट मत करो इससे दूर रहने की प्रेरणा यहां पर लोगों ने दी है और आज के लोग करके लोग तो हो, बड़े जोर शोर से मिलावट करने की बातें सोचते हैं दीपावली आ गई कि उनको बड़ा जोर आता है अरे दीपोत्सव बौद्धों का महोत्सव है कि उसकी कल्पना करने लगते हैं उसके कुछ झूठे सही प्रूफ देने लगते हैं मतलब क्या दीपाली मनाओ अरे वो हिंदुओं का सन है उस धर्म को हमने छोड़ दिया वो अच्छा हो या बुरा हो क्या पड़ी है हमको बस छोड़ दिया बात खत्म हो गई तो लेकिन ऐसे स्वांग रचने वाले ढोंगी लोग भी होते हैं ये तो चल रहा है ना अच्छा। आजकल जो भी त्योहार आता है उसको बुद्धिज्म को जोड़ने की कोशिश करते हैं या अभी ही राखी बंधन रक्षाबंधन का त्योहार आ गए कुछ ऐसे लोग चिल्लाने लगे अरे ये बौद्धों का त्योहार है त्यौहार है रक्षाबंधन है ये बौद्धों की परंपरा ये है ये मूर्ख लोग हैं ये धर्म में मिलावट करने का पाप करते हैं और बाबा साहब ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि मिलावट नहीं करना है उसका परिणाम बुरा होता है तो मिलावट से बचना जरूरी है ये गाथा इसमें आता है जो झूठ को सच और सच को झूठ समझ बैठते हैं ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों को कभी सत्य की प्राप्ति नहीं होती जो सच को झूठ और झूठ को सच समझ बैठते हैं ऐसे मिथ्या दृष्टि संपन्न लोगों को कभी सत्य की प्राप्ति नहीं होती तो सत्य को सत्य तो और झूठ को झूठ समझते हैं ऐसे सम्यक दृष्टि वाले लोगों को ही सत्य की प्राप्ति होती है सत्य को सत्य को झूठ को सब झूठ को फिर भी लोग समझते नहीं अपनी जो आदतें हैं उसको भी मानते रहते हैं उसको ही चिपके रहते हैं और धम्म में भी वो मिलावट कर देते हैं आज भी कर रहे हैं खासकर आज की तारीख को जातिवाद की मिलावट जो है चल रही है हम बहुत हैं मुझे याद आती है कहानी बम्बई की एक दोस्त के यहाँ प्रोग्राम के लिए गया था वो बड़ा इंजीनियर है रेलवे में उनकी बीबी डॉक्टर हैं सुबह सुबह पहुँचा उनके घर हुँ? फ्रेश हुआ नाश्ता वगैरह किया उस वक्त कोई पड़ोसन उनकी आ, उनको मिलने से लिए मिलने के लिए आ गई बड़े खुश थे सच धर कर धज कर आए थे तैयार होकर मानो कहीं जाना है और बड़े हँसते हँसते वो घर में आ गई तो ये मैडम थी जो डॉक्टर मैडम उसने उनका स्वागत किया दोनों बातें करते करते किचन में चले गए और कुछ समय के बाद बड़ा गुस्सा होकर वो औरत चली गई बहुत ही गुस्से में तो मैंने देखा हो लेकिन मैं तो मेहमान था मुझे क्या पड़ी है कुछ पूछने की मैंने कुछ पूछा नहीं उनका आपसी मामला है मुझे क्या है फिर हमारा प्रोग्राम हो गया दोपहर को फिर चाय पानी की शुरुआत हो गई साहब भी तब तक वापस आ गए ड्यूटी लगा कर पहले प्रोग्राम में ठहरे फिर ड्यूटी पर चले गए फिर हाजिरी लगा कर वापस आ गए तो हम चाय पीते बैठते तो बातों बातों में मैंने उनसे पूछा मैं अपनी कोई सहेली कोई ही महिला आई थी आपको मिलने सुबह बड़ी खुश नजर आ रही थी हाँ बनती जो मेरी सहेली है या बगल में ही रहती है उसके भी पति रेलवे में ही बड़े अफसर है तो मिलने के लिए आई थी तो मैंने कहा क्या तुमको तुमने उसको अपमानित किया कुछ तो बुरा कहा उनसे वो तो बड़े गुस्से में चली गई नहीं नहीं मैंने कुछ बुरा नहीं कहा मैंने मेरी वाचा को हा, बुरा नहीं होने दिया वही उससे सत्य बात कर रही थी तो फिर वो गुस्से में क्यों चले गई बनती जी बात ऐसी है कि उसका एक लड़का है उसकी शादी करनी है और वे लड़कियों की खोज में है मेरे जानकारी में दो लड़कियां हैं मैंने उनको बता दिया कि चलो हम उनको देखने चले जाएंगे। तो बिल्कुल तैयार होकर आई थी कब जाना है पूछने के लिए तो अपना ही प्रोग्राम होने के बाद हम लोग जाने वाले थे और तब तो उन्होंने बातों ही बातों में मुझसे कहा मैडम क्या वो दोनों लड़कियां अपनी ही जाति की है ना तो मुझे बड़ा गुस्सा आ गया मैंने उससे कहा हम लोग तो बौद्ध हैं ये दोनों भी लड़कियां बौद्ध हैं तुम ये जाति की बात क्यों कर रहे हो तो उसने कहा नहीं तो अपनी जाति की होनी चाहिए तो मुझे बड़ा गुस्सा आ गया अगर जाति को मानने वाले है तू तो निकल जा मैं तुझे कोई लड़की दिखाने वाली नहीं हूं हम बौद्ध लोग हैं बुद्ध धर्म में जातिवाद नहीं होता वो गुस्से में चली गई यह अभी चार पांच साल पहले की बात है बहुत पुरानी बात नहीं है तो क्या हम अपनी जो उपजातियां हैं मानते नहीं हैं बौद्ध समाज से बाल बावने खत्म हो गए बारके खत्म हो गए लाड़वन खत्म हो गए यह अभी तो जीवित है ना बौद्ध बनने के बाद भी जीवित हैं, तो क्या हमने ये मिश्रण नहीं किया मिलावट नहीं की धर्म में एक और कहते हैं बौद्ध हैं दूसरी ओर कहते हैं हम जाति को मानने वाले वर्धा में होते हुए एक मित्र ने मुझे एडवर्टाइजमेंट लाकर दिखाई है बनते जी एडवर्टाइजमेंट पढ़िए, मैंने कहा मुझे एडवर्टाइज से क्या लेन देना है तुम पढ़ो नहीं नहीं आपके लिए काम किया है पढ़ो तो मैंने पढ़ी एडवर्टाइजमेंट वधु चाहिए फिर वर का जो वर था उसका वर्णन लड़का ऐसा है दिखने में ऐसा है इतनी तनख्वाह है इतनी शिक्षा है तो अपेक्षा वधु की अपेक्षा क्या है तो इसके अनुसार होना चाहिए वो लिखा और अंत में उन्होंने लिखा टिप यानी नोटिस हिंगन घाटी लाडवानी चाहिए तो मैंने कहा ये लाडवन में भी हिंगन घाट है वर्धा है अमरावती है और क्या क्या है ये आज की हकीकत है और बाबा साहब यहां इतने शब्द शब्द में लिखते हैं कि मिलावट मत करो धम्म से तुमने पुराना छोड़ दिया है ना बस दिमाग में मत लाओ कि ये सारे हमारे पढ़े लिखे जो बौद्ध हैं मैं तो उनको अनफड़ मानता हूं ये फिर ये कोशिश करते रहती हैं कि दिवाली बौद्धों की है ये फलाना सन बौद्धों का है ये बौद्धों का है ये सब बुरी आदतें हैं ये मिलावट है इस मिलावट को तुरंत रोकना जरूरी है और हमें ये बड़े बलपूर्वक सामर्थ्य के साथ जीत से करना है हम इसे पीछे नहीं रह, रह सकते तो ये एक बात हो गई और फिर दूसरी बात है बौद्ध कहते हैं फिर जातिवाद को पकड़ कर रखे हैं इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि नामांतर करो तुम्हारा जो सरनेम है जाति का नाम है तुम्हारा सरनेम सुनने के बाद भारत के मनुष्य को तुम्हारी जात मालूम होती है अरे इस जाति का है तुम्हारा धर्म नहीं दिखाई देता तुम्हारी असलियत नहीं दिखाई देती तुम तो मनुष्य हो अच्छे हो या बुरे हो ये भी दिखाई नहीं देता उसको सिर्फ जात दिखाई देती है और वो कहता है कि निचले जाति का आदमी है तो उसके नजर में तुम्हारी कोई कीमत नहीं है आप समझ रहे इस बात को चाहे बड़े अफसर हो चाहे बड़े रईस हो इसकी कोई कीमत नहीं है उनकी नजर में तुम सिर्फ शूद्र हो नीचले जाति के हो उसके साथ संग नहीं करना चाहिए ये कितना अपमान है कितना भारी इंसल्ट है और फिर भी बौद्ध होने के बाद हम लोग अगर अपने ये जातिवाचक सरनेम जो है उसको बदलते नहीं हैं तो क्या कहें ऐसे लोगों को शिक्षा का अभाव है अनपढ़ ऐसे है, कहा जा सकता है ये तो अनपढ़ नहीं है बिल्कुल अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं फिर बाबा साहब को मानने वाले नहीं मानने वाले नहीं मानने वाले होते तो बात ठीक है अरे मानने वाला नहीं उसकी तरफ से अपेक्षा नहीं की जा सकती लेकिन मानने वाले हैं और फिर धम्म का अध्ययन करने वाले भी हैं बाबा साहब तो, तो ज्ञान जो है शिक्षा है, उसको पढ़ने वाले उसका अध्ययन करने वाले भी लोग हैं इतना सारा होने के बावजूद भी आप इतनी सी बात जो है वो भी सही ढंग से पहचान कर कर नहीं सकते तो आपके बारे में क्या कहा जाए बहुत अच्छे लोग हैं बहुत जिम्मेदार लोग हैं अपने अधिकार को सही ढंग से जताते हैं अपनी गरिमा अपना बड़पन अपना सम्मान इसकी सही में रक्षा करते हैं बिल्कुल रक्षा नहीं करते हैं जाते जाते एक बात कहने में कोई हिताकत नहीं है लेकिन आज बौद्धों में भी बहुत ही बुरे है हैं सरनेम हैं कई डुकरे हैं कई डुक्कर मारे हैं मुझे लज्जा आती है शब्द उच्चारण करने में लेकिन इस सरनेम के भी पढ़े लिखे तो लोग बहुत सारे हैं अफसर भी हो सकते उच्च पद पर भी ये काम करने वाले हो सकते इंजीनियर भी हो गए डॉक्टर भी हो गए तो अपना इतना गंदा सरनेम है क्या उनको कभी झंसता नहीं कि ये बुरा है संवेदना नहीं होती उनको कि सही में बुरा है और फिर सोच विचार कर उसको त्यागने की भावना उनमें क्यों नहीं जगती है ये बहुत ही गंभीर मामला है क्योंकि हम धर्म को सही ढंग से लेते नहीं उसको दुर्लक्षित करते हैं कोई खास महत्व नहीं देते और फिर बाबा साहब के इन शब्दों को हम पहचानते नहीं समझते नहीं और पढ़ते भी नहीं कि हम गलत धर्म का जो है बुद्ध धर्म में मिश्रण नहीं करना है मिलावट नहीं करनी है तो हो, ये सरणिम के माध्यम से भी हमारे समाज में बौद्ध समाज में ब्राह्मणी धर्म की मिलावट जारी है इस मिलावट को तुरंत दुरुस्त करना चाहिए मिलावट रोकनी चाहिए और हर बौद्ध कहने वाले आदमी ने अपने जातिवाचक सरनेम जो हैं वो बदल देने चाहिए तुरंत ये धब्बा हम अपने शरीर पर नहीं रखेंगे हमारी तरफ लोगों को देखना कि देखने का जो जरिया है कि तुम नीच हो हम कबूल नहीं कर सकते अपनी कीमत हम इस तरह से हम कमजोर नहीं होने दे सकते तो इसके बारे में हमें सजग होना चाहिए तो बाबा साहब का ये सभी प्रयास जो हैं इस तरह से आदमी को सजग करने में धम्म का आचरण कैसे किया जाता है किस तरह से अपना मन अपनी मानसिक ताकत अपना दिमाग इसके काम में आ सकता है और ये सकता ये क्षमता एक मनुष्य होने के नाते हमारे पास ही हैं और किसी के पास नहीं है तो धम्म के आचरण की इतनी तगड़ी शिक्षा बाबा साहब ने अपने ग्रंथ में दी है अगर हम उसको सही ढंग से समझे सही ढंग से पढ़े तो निश्चय ही बहुत क्रांतिकारक परिवर्तन होने वाला है और इस परिवर्तन की आशा बाबा साहब के मन में थी। और इसलिए वो कहते थे कि मुझे कौन सा परिवर्तन चाहिए भारत बौद्धमय होना यह सपना उन्होंने देखा था कि मुझे भारत बौद्धमय करना है इतना परिवर्तन इस भूमि में लाना है इस देश में लाना है पूरे इस देश के सभी लोगों में लाना है और ये कैसे हो सकता है तो इस तरह से धम्म जीवन मार्ग को लोगों ने अपनाया तो ये बिल्कुल होना ही है इसमें कोई गलती होने वाली नहीं है तो आज की तारीख को मैं समझता हूं हम इतना ही समझे और भी आगे हैं हमें और भी इसी रास्ते से आगे बढ़ना है उन्होंने और कुछ बातें बताई हैं तो बाद में देखेंगे लेकिन तब तक के लिए अभी यहीं पर हम रोकेंगे जय भी